तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खान सर का यूपीएससी आईएएस बैच आ गया है जो सिर्फ ऑनलाइन है, लेकिन ये ऑफलाइन कब से होगा इसके लिए मैंने इंक्वायरी के लिए खान सर के ऑफिस, जो इंक्वायरी ऑफिस है, वहाँ पे जाके उनके स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि खान सर का जो ऑफलाइन बैच है वो लगभग 4 से 5 महीने के बाद आएगा। तब तक आप ऑनलाइन एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, जो 13 दिसंबर से क्लास शुरू है। उनके स्टाफ ने एक और बात भी बताई कि अगर आप ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं और फिर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपका जो ऑनलाइन का फ़ी है उतना उस फीस में से, जो ऑफलाइन का फ़ी होगा उसमें से कम कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि चलो अभी एडमिशन ले लेते हैं ऑनलाइन, बाद में जब ऑफलाइन होगा तो वहाँ से फीस वो भी कम हो जाएगा जो ऑनलाइन का फीस है। और मैंने खान सर के स्टाफ से पूछा कि और कौन कौन से टीचर होंगे, और भी लड़के थे, उन लोगों ने पूछा कि कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। मणिकांत सर और राजेश सर के बारे में तो खान सर बता दिए हैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में, अपने चैनल पे पोस्ट किए थे, लेकिन और कौन कौन से टीचर होंगे ये सभी 4-5 टीचर के नाम बताए और वो भी नहीं जानते थे कि कौन कौन टीचर हैं। तो ये क्लास शुरू होगा तो पता चल जाएगा कितने टीचर हैं, कौन कौन टीचर हैं। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि सर्वर पर काफ़ी लोड है। पहले से 3 सर्वर सर रखे थे जिसमें से एक सर्वर फुल हो गया, दूसरा भी फुल हो गया, मतलब अब एडमिशन को स्लो कर दिया गया है ताकि सर्वर पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए, 2 दिन का समय दिए थे सर, 13 दिसंबर से क्लास शुरू होने वाला है, आप उसी से पहले एडमिशन कर लीजिए। ये था पटना का अपडेट, जहाँ से पटना में अभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुला, जो यूपीएससी आईएएस के लिए खान सर खुले हैं वो अभी ऑफलाइन नहीं खुला है। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, बाय। साथ ही साथ खान सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यूपीएससी का बैच इतने कम फी में हम लोगों के लिए लेकर आए, और वो भी इंडिया के टॉप टीचर के साथ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइएगा।